हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी, बिजनेस ट्रेनर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर एंड सीईओ मेटास ओवरसीज लिमिटेड। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। फ्रेंड्स, कहते हैं ना, समय बड़ी तेजी से बदल रहा है और समय में परिवर्तन के साथ साथ जो लोग अपने काम करने के तरीके में परिवर्तन नहीं करेंगे, या तो वो पीछे रह जाएंगे या वो बिल्कुल पिछड़ जाएंगे। इसीलिए ज़रूरत है कि इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के इस युग में जितनी तेज़ी से परिवर्तन टेक्नोलॉजी में हो रहा है, उतने ही ठीक तेज़ तरीके से परिवर्तन आपके सोचने और समझने की क्षमता में होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि नया नया मार्केट में क्या आ रहा है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आप को भी और एडवांस कर सकते हैं। आज का समय ना इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का युग है और इस युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। कहते हैं ना कि हर एक चीज़ को समय पे और लोगों तक पहुंचने में कुछ समय लगता है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आज आपके सामने हैं। अगर मैं बात करूं 1 मिलियन यूज़र्स तक पहुंचने के समय की, तो नेटफ्लिक्स जैसे अकाउंट को, नेटफ्लिक्स जैसे वेब को 3 साल और 5 महीने का समय लगा 1 मिलियन यूज़र तक पहुंचने में। और वही बात एयरबीएनबी की करूं तो 2.5 साल का समय लगा, फेसबुक की करूं तो 10 महीने का समय लगा, स्पॉटिफाई की बात करूं तो 5 महीने का समय स्पॉटिफाई को लगा 1 मिलियन यूज़र तक पहुंचने में, और इंस्टाग्राम को 2 साल और 5 महीने। लेकिन आईफोन की अगर हम बात करते हैं तो 74 डेज में आईफोन 1 मिलियन यूज़र तक पहुँच गया। कहते हैं ना कि काम करने की स्पीड जितनी फास्ट होगी उतनी तेज़ी से आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक उस तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर आया और मात्र 5 दिन के समय में वो 1 मिलियन यूज़र तक पहुंच गया, और सॉफ्टवेयर का नाम है ChatGPT। ChatGPT क्या है और क्या इससे गूगल को खतरा है या लोगों की जॉब को खतरा है, इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड, जैसे जैसे काम करने का तरीका बदलेगा ना, लोगों के काम करने की स्पीड भी बढ़ती आएगी। ChatGPT कोई नई चीज़ नहीं है जिससे हम कोई चीज़ सर्च करें और रिजल्ट हमारे सामने हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं और आपके डिजायर्ड रिजल्ट आपके सामने होंगे। जैसे गूगल पर आप सर्च करते हैं तो जो भी चीज़ आप सर्च करते हैं उससे रिलेटेड कंटेंट, उससे रिलेटेड इमेजेस, उससे रिलेटेड वेबसाइट, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होती है। ठीक उस तरह से ChatGPT एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है जो चैटबॉट के रूप में काम करता है। मतलब जो भी बात उसमें आप लिखते हैं वो आपको रिजल्ट में वो रिजल्ट दिखाता है जो आप रिजल्ट चाहते हैं, जबकि गूगल तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिखाता है कि इस वेबसाइट पर ये कंटेंट है, इस वेबसाइट पर ये कंटेंट है, यहां से आपको ये चीजें मिल सकती हैं। लेकिन ChatGPT एक चैटबॉट की तरह आपको वैसे हेल्प करता है जैसे आपने अपने फ्रेंड को कोई व्हाट्सएप किया और व्हाट्सएप में आपको रिप्लाई आया कि आप क्या चाहते हैं। अब ये ChatGPT क्या है, इस पर कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। अगर आप ChatGPT को चेक करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले गूगल पर सर्च कीजिए ChatGPT। यहाँ पर आपको जो वेबसाइट खुलेगी वो खुलेगी OpenAI, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की वेबसाइट खुलेगी। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा साइन इन या साइन अप। अगर आप एक नए यूज़र हैं तो आप साइन अप करेंगे, अगर आप ऑलरेडी यूज़र हैं तो साइन इन करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक चैटबॉट आ जाएगा और चैटबॉट आपकी सारी हिस्ट्री को स्टोर करता है। इसीलिए ध्यान रखिए, अपनी आईडी के साथ कोई भी ऐसी चीज़ चैटबॉट पर ना पूछे जो किसी भी तरह से संदिग्ध हो सकती है या आपको किसी परेशानी में ला सकती है। तो ChatGPT एक बहुत अच्छा टूल है जिसका इस्तेमाल स्टूडेंट्स कर सकते हैं, हाउसवाइफ कर सकती हैं, बिजनेसमैन कर सकते हैं, प्रोफेशनल कर सकते हैं, जॉब सर्च करने वाले लोग कर सकते हैं, वो लोग जो जॉब किसी को दे रहे हैं वो सर्च करते हैं। मतलब कुछ भी, जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं आप ChatGPT से सर्च करेंगे तो ChatGPT भी सर्च इंजन की तरह वो सारा का सारा कॉन्टेंट जो अब तक वेब पर है वेब से वो इकट्ठा करके आपके सामने लाकर वैसे रख देगा जैसे आपको रिजल्ट चाहिए होता है। आइए इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। मान लीजिए कोई एक बिजनेस ओनर है और वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहता है, उसको पता ही नहीं है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कैसे करे या इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस कैसे लें, उसके स्टेप्स क्या होंगे, तो उसने लिखा हाउ टू गेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इन इंडिया। क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर है तो ये अगर आप कंट्री नहीं लिखेंगे तो वो किसी भी कंट्री का एक रेंडर जनरल रेंडम आपको आंसर दे देगा। तो देखिए, जैसे हम लिखेंगे तो ChatGPT तुरंत वेब पर जितना भी डेटा इकट्ठा है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने लेके आएगा। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से ChatGPT ने बताया है कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना चाहते हैं तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT के साइट पर जाएं, www.dgft.gov.in, वहां पर IEC के लिए अप्लाई के लिए क्लिक करें और उसके बाद वहां पर सारा का सारा फॉर्म फिल करें, एप्लीकेशन, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें, पैन कार्ड अपलोड करें, आधार कार्ड, आपके सर्टिफिकेट, फोटो, पासपोर्ट साइज, ये सारी चीज़ें करें और उसके बाद में सारे स्टेप्स आपको यहां पर प्रोसीजर पे बताए हुए। मतलब आप चाहें, अगर आप एक अच्छे कंटेंट राइटर हैं, आप किसी चीज़ के लिए कंटेंट लिखना चाहते हैं तो कंटेंट लिखने के लिए भी ChatGPT आपके लिए बहुत बेहतर सॉफ्टवेयर सिद्ध होगा। जैसे मान लीजिए
आप ये जानना चाहते हैं कि भाई हम इंटरनेशनल बायर कैसे ढूंढें, तो हाउ टू फाइंड इंटरनेशनल बायर, इतना मैं सर्च करता हूं, तो ये सारे स्टेप्स आपको एलोबरेट कर देगा, क्योंकि इंटरनेट पर सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज पड़ी हुई है। वो क्या करेगा कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन से फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की है वो आपको सर्च करके शो करेगा। जैसे सबसे पहला तरीका क्या है, यहाँ आपको सारे स्टेप्स बता दिए, हम लोग भी अपने वीडियोज़ के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको क्या बताया, अटेंड ट्रेड शो और एग्जीबिशंस, उसमें पार्टिसिपेट आप करें, B2B मार्केट प्लेसेस पर अपने आप को लिस्ट करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट्स बनाएं, डायरेक्ट मार्केटिंग करें, आप एरिया में विजिट करें, सिटी में विजिट करें, कंट्री में विजिट करें, डिफरेंट डिफरेंट जोन में विजिट करें। उसके बाद हायर सेल्स एजेंट हायर करें, या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसने वेब की दुनिया से, जैसे ही आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो 100, 200, 300, 500, हजारों वेबसाइट्स के जरिए जितना भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पड़ी है उनको कलेक्ट करके आपको रिजल्ट शो करता है। आप अगर मान लीजिए आपके साथ एक प्रॉब्लम है कि आप इंग्लिश में नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप हिंदी में सर्च करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने लिखा हाउ टू ग्रो सेल इन हिंदी, जब हम हिंदी कंटेंट लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वेब में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है चीज़ों को सर्च करने में। देखिए अगर आप बिक्री बढ़ाना चाहते हैं तो निम्नलिखित टिप्स आपके लिए उपयोगी हो सिद्ध हो सकते हैं, विस्तार कीजिए, नए ग्राहक बनाइए। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, देखिए थोड़ा स्पीड यहाँ पर स्लो होगी, नए बाजार में प्रवेश करने के लिए अपने आप को विस्तारित कीजिए, नए बाजार में जाइए, अपने उत्पाद के विज्ञापन को बढ़ाइए, विज्ञापन बढ़ाने के अलावा अपने उत्पाद को अभी और आ जाएगा यहाँ पर, और विज्ञापन करने के लिए क्या है, आप TV, FM, रेडियो या सामाजिक माध्यम से विज्ञापन कीजिए, विक्रय का सुधार कीजिए, बेचने के तरीके को अपग्रेड कीजिए, मूल्य की समीक्षा कीजिए, अपने प्राइसेस को रिवाइज कीजिए। तो बहुत सारे ऐसे ये एक ऐसा टूल है जिसमें आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आज स्टूडेंट्स इसका बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने नोट्स बनाने के लिए, अपने टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करने के लिए, इसके अलावा टेस्ट पेपर्स के अलावा अपना होमवर्क करने के लिए भी स्टूडेंट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और कई कंट्रीज ने तो ChatGPT को बैन कर दिया है, वहाँ पर उसको ब्लॉक कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स में देखा गया कि वो अपने आंसर्स लिखने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ChatGPT एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है जो पूरे के पूरे इंटरनेट के माध्यम से हर वो कंटेंट जो उस विषय से संबंधित हो सकता है वो आपको रिजल्ट के रूप में शो करता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या ChatGPT आने के बाद गूगल सर्च इंजन बंद हो जाएगा? फ्रेंड्स, किसी भी नई टेक्नोलॉजी के आने पे पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट तो होती है लेकिन 100% उसको रिप्लेस नहीं करती है। गूगल का अपना डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिसपे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करते हैं, आप इमेजेस के बारे में बात करते हैं, आप वीडियोस के बारे में, ऑडियोज़ के बारे में, कॉन्टेंट के बारे में, वेबसाइट्स के बारे में, लेकिन ChatGPT एक चैटबोर्ड सॉफ्टवेयर है जो आपको चैटबोर्ड के माध्यम से रिजल्ट शो करता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि गूगल का रिप्लेसमेंट है या आने वाले समय में गूगल को ये डिफीट कर देगा, ऐसा कभी संभव ही नहीं हो सकता। फाइन, जितना काम ChatGPT कर रहा है उससे कई हजार गुना काम तो गूगल ऑलरेडी कर चुका है। बात करते हैं जॉब प्लेसमेंट्स का क्या होगा। आज बहुत सारे कंटेंट राइटर बेहतर कंटेंट लिखते हैं तो कंटेंट लिखने के लिए भी ChatGPT का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनीज या प्रोफेशनल्स जो हैं वो सब कंटेंट राइटर्स को निकाल देंगे और खुद कंटेंट लिखना शुरू कर देंगे। ChatGPT के माध्यम से कंटेंट राइटर की स्पीड और वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और ज़्यादा आउटपुट वो डिलीवर कर पाएंगे, इसलिए उनके लिए एक पावरफुल टूल होगा। अभी तो ये बीटा वर्जन में है इसीलिए इसका फ्री वर्जन आप लोगों को दिया हुआ है, आने वाले समय में इसका पेड वर्जन भी मार्केट में उपलब्ध होगा और कहते हैं कि लगभग $45 पर मंथ का इसका खर्चा होने वाला, लगभग 3,500 रुपये पर मंथ ये चार्ज करेगा। लेकिन कोई भी टूल जो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, आपके काम करने की गति को मल्टीप्लाई कर देता है, वो कभी भी महंगा नहीं होता है। तो आप देखिए कि ChatGPT का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। आज बहुत सारे यूथ इससे बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। आज यूट्यूबर्स अच्छे कंटेंट को डेवलप करने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप एज ए कंटेंट राइटर किसी भी पर्सन के लिए कोई कंटेंट लिख रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी डिवीज़न के लिए कंटेंट लिख रहे हैं, तो बहुत पावरफुल टूल है। आप देखिए, मान लीजिए मेरे यहाँ पर एक एम्प्लॉय आया और मैंने उसका रिक्रूटमेंट कर लिया और 10 साल बाद उस एम्प्लॉय ने मेरी कंपनी से रिज़ाइन किया, या हमने उसको अपनी कंपनी से किसी भी कारणवश उसको ड्रॉप आउट कर दिया। उसके बाद में क्या रहा कि उसने कहा कि सर मेरा आप एक एक्सपीरियंस लेटर ड्रॉ करके मुझे दे दीजिए ताकि मुझे फर्दर जॉब में उसका यूज़ हो जाए। तो बेस्ट एक्सपीरियंस लेटर फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग एम्प्लॉय, मैंने कहा कि मुझे एक बेस्ट एक्सपीरियंस लेटर ड्रॉ करके दे दीजिए, तो ChatGPT ने मेरे लिए एक टॉप क्लास एक लेटर डिफाइन करके यहाँ पर दे दिया, ड्राफ्ट करके दे दिया। देखिए पूरा इसमें सब कुछ दिया हुआ है, क्या कि भाई अगर वो एम्प्लॉय आपके पास है तो सबसे पहले डियर एम्प्लॉय उसका नाम, योर स्किल एक्सपीरियंस, ये सारे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, और साथ में आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, सारी इन्फॉर्मेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन की, आपको सिर्फ ज़रूरत है उसको सही तरीके से रिप्लेस करने की, है ना। आई एम राइटिंग दिस लेटर
टू द एक्सप्रेस माई, मतलब जो भी आपने आपकी कंपनी के बारे में आपने उससे एक्सपीरियंस लिया, उससे चीज़ें सीखी समझी, आपकी कंपनी में उसने काम किया, और साथ में आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, आपके टाइटल और आपकी कंपनी की डिटेल, तो ये इसने लेटर ड्राफ्ट कर दिया। तो कहते हैं ना कि कुछ भी चीज़ जो आप करना चाहते हैं वो सारी की सारी सपोर्ट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑलरेडी इंटरनेट पर एग्जिस्टिंग चीज़ों को इकट्ठा करके आपको रिजल्ट शो कर देता है। तो एक बहुत बेहतरीन टूल है, डिपेंड करता है कि आप इस टूल का कैसे इस्तेमाल करते हैं और अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए किस तरह से इसके जो चैटबॉट के आंसर्स का इस्तेमाल करके अपने आप को ग्रोथ की ओर लेकर जाते हैं। फ्रेंड्स, आने वाले समय में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और तेजी से डेवलप होगा और बहुत सारे वेब ऐप इस तरह के आएंगे जो आपकी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बना देंगे। यहां तक कि अगर आप वेब डेवलप करना चाहते हैं और आपको कोडिंग चाहिए तो वेब डेवलपमेंट से संबंधित आप कोडिंग भी चैट जीपीटी से ले सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कोडिंग फॉर होम पेज ऑफ वेबसाइट, तो यहां पर वो सारी कोडिंग्स मेरे पास आ जाएंगी। ये देखिए अभी सारी कोडिंग आ गई। एक वेब डेवलपर की एक बहुत सुविधा हो गई कि वेब डेवलपर को किसी तरह से कोई कोडिंग करनी है तो यहाँ पर सारी कोडिंग इकट्ठी की, कॉपी किया और बाद में उस कोडिंग को प्रेस कर दिया और बैकएंड में डालने के बाद वेबसाइट डेवलप कर दी। तो चीज़ें काम को करने की स्पीड को बढ़ाती हैं, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं, आपके प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाती हैं और काम करने के समय की अवधि को घटा देती हैं। आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे आर्टिफिशियल टूल्स आएंगे जो आपके काम को बहुत अधिक बेहतर और सुगम बनाएंगे। आप के ऊपर निर्भर करता है कि आप उस आर्टिफिशियल टूल का कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे अपने बिजनेस को, अपने सेल्स को, अपनी मार्केटिंग को, अपने प्रोफेशन को या अपनी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि एक बिजनेस चैनल है, यहाँ पर मैक्सिमम वीडियोस बिजनेस से रिलेटेड होती हैं, तो आप वो प्रश्न हमें चैट बॉक्स में जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।